जय हिंद सभी को। फिर से आप लोगों को लाइव क्लास में स्वागत है। और आज की क्लास में आप लोगों से फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टूडेंट क्लास में जुड़ रहे हैं सभी को आज जो 8 बजे क्लास लिया गया था उसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग कृपया करके आज की क्लास को जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं सभी को क्वेश्चन आंसर को कमेंट कीजिएगा। चलिए साथियों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का विघटन कब होता है। लोकसभा का विघटन कितने वर्ष में होता है, आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करना है। चलिए साथी, आज का सेकंड क्वेश्चन है कि हमारा देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, हमारा देश का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में लिखा गया है। और हमारा देश का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए और यह हमारे अनुच्छेद के किस प्रावधान में लिखा गया, यानी किस अनुच्छेद में लिखा गया है। आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन के आंसर को कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई क्लास में, ऑब्जेक्टिव क्लास में, लाइव क्लास में। आप लोग जुड़ना ना भूले, जितना भी क्वेश्चन पूछते हैं साथियों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप लोग जवाब दीजिएगा और जवाब दे कर ही जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।